Hey guys, what's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy Hai. Dosto, chapter number 8, that is agriculture and food management ko aaj hum continue karne ke liye aa rahe hain. Dosto, yaad hoga humne itni sari classes lekar ye sare ke sare topic complete kar diye. Aaj ka topic hamara model contract farming act 2018. Bahut important act hai kyunki iske pehle aapne kabhi ye suna nahi hoga, but aaj main aapko bataunga iska pura detail kya hai. To aaj ki class mein main aapko model contract act farming ke bare mein bataunga aur covid-19 mein क्या क्या चीजों को रिफॉर्म किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो सारी की सारी मैं आपको अपडेट्स दूंगा. ठीक है, चलिए आज की क्लास का सिर्फ इतना ही टारगेट है, इसको कंप्लीट करके बस आज की क्लास को हम फिनिश कर देंगे. ठीक है, चलो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 की. इसको पहले निकाल लेते हैं, बुक में ये कहां दे रखा है. तो आप देख सकते हैं बुक के अंदर ये जो चीज है यहां दे रखी है, देखो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018. अब इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ. बात ये है कि इस एक्ट को लाने के पीछे ज़रूरत क्या पड़ी. जिन्होंने हमारी लास्ट क्लास देखी है उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं क्या बताने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि वही बात है ना, क्लासेस को सीक्वेंस से देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें. देखो बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक था APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये गवर्नमेंट ने बनाई और कहा कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको अपनी सभी क्रॉप्स लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर कई सारे बिडर्स बैठे होंगे, बोली लगाने वाले जो कि होंगे सेलर. वो क्या बायर होंगे वैसे, तो ये क्या करेंगे, आपके फसल की क्वालिटी देखकर ये बोली लगाएंगे और एक प्राइस डिसाइड करेंगे और वो प्राइस जो है फार्मर्स को दे दी जाएगी. अब आपको ये सर ऐसे में APMC का क्या रोल है, ये स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर को कंट्रोल करती है, उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और उन्होंने क्या किया APMC बनाया. जो हमारे भारत में 29 स्टेट 7 यूनियन टेरेटरी, सबके रूल्स थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, वैसे प्राइम ऑफ फेसी APMC बोला जाता है उन्हें. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी. अब ये कमेटी क्या करती है, फार्मर से थोड़ा सा कमीशन लेती है, थोड़ा सा इनसे कमीशन लेती है. क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद फार्मर को ऐसा लगने लगा कि यार APMC की हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ फार्मर्स को लगा. क्योंकि क्या था, जैसे कि मान लो लेस बनाने वाली जो कंपनी है ये आके बोलती है हमें पटेटो चाहिए ताकि हम अपने पास लेस की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएं. ये फार्मर्स के पास जाते हैं, फार्मर से पूछते हैं तुम आलू क्या हिसाब बेचते हो APMC वालों को, तो ये कहते हैं हम तो आलू 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं. लेस वाला कहता है आप हमें अच्छे आलू बना के दो, हम आपके यही आलू 22 रुपये में खरीदेंगे. तो फार्मर के मन में लालच आ जाता है कि भाई जब अगला बंदा मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखना चाहता है तो मैं उसे 22 रुपये में ही बेचूंगा, मैं 10 रुपये में क्यों APMC को बेचूंगा. और बात भी सही है, बट APMC ने अपने रूल्स में लिखा था कि भैया सभी फार्मर्स को अपना क्रॉप बेचनी पड़ेगी, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा हर्डल्स होने लगी. ऐसे में क्या हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में आना बंद हो चुकी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि उन्हें पता था कि APMC एक्ट के थ्रू, APMC पता है क्या बोलता था, कहता था हम फार्मर से खरीदेंगे, इसके बाद अगर तुम्हें खरीदना है लेज वालों को तो कहते थे तुम हमारे पास आओ हमसे खरीद लो. जब लेज वाला सीधा सीधा 22 रुपये देना चाहता है फार्मर्स को तो क्या दिक्कत है, डायरेक्टली डील करने दो ना, आप बीच में क्यों आ रहे हो, टाइम और ख़राब हो रहा है, फार्मर बेचारा ट्रांसपोर्टेशन में लगा रहेगा, लेज वालों के ऊपर है, वो इसके घर से उठा ले जाएगा सामान, कोई दिक्कत नहीं है. अब ऐसे में फार्मर्स को क्या करना था, कॉन्ट्रैक्ट करने थे. तो कई सारे फार्मर, जैसे आप इंडिया गेट बासमती राइस हो गया, राइस में हो गया, पटेटो में हो गया, चिप्स में हो गया, बहुत सारे आइटम हैं जिनमें आप फार्मर से डायरेक्टली डील कर, आशीर्वाद आटा है तो गेहूं कहां से आता है, फार्मर से तो आता है. तो ऐसे में हमारे पर जो इन्वेस्टमेंट्स है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होती हुई नजर आई. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सन 2003 के अंदर इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स की और मेजर अमेंडमेंट करके बोला गया कि भैया ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट बेस को भी काम देना पड़ेगा. तो जब हमने ये सारे अमेंडमेंट की तो हमने एक नया एक्ट बनाया और उस नए एक्ट का नाम रखा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, मॉडल नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 है. यानी कि हमने क्या क्या जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस के लिए हमने एक पर्टिकुलरली एक्ट बना दिया और उस एक्ट का नाम क्या रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 रखा गया. मुलो क्लियर हुआ, ये था आपका एक छोटा सा बेस. अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या बोलता है. कहता है ये जो मॉडल है आपका एग्रीकल्चर मॉडल, ये प्रोड्यूस को ही नहीं बल्कि लाइव स्टॉक को भी खरीदने बेचने का काम करता है. ठीक है, कौन सा, 2018 में जो एक्ट बनाया गया और इसको मई 2018 के अंदर गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया था. इस एक्ट की क्या क्या साइलेंट फीचर हैं, ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़रूरी है आपको फीचर पढ़ने. पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू बी आउटसाइड एम्बिट टू APMC एक्ट. जो चीज़ APMC ने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी ने मना की थी कि आप डायरेक्टली इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, अब आप डायरेक्टली फार्मर अपनी मन मर्जी के मुताबिक किसी को भी अपनी फसल बेच सकता था, जहाँ उसे सही कीमत मिलेगी वो अपनी फसल को वहाँ बेचेगा. तो ये था आपका पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है, फार्मर हैव बीन कंसिडरिंग वीकर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग. अब एक बात बताओ, मान लो फार्मर्स के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फार्मर्स को क्या ये नॉलेज होगी कल को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा चाहे किसी भी पार्टी से,
से तो कौन कितना कंपनसेशन देगा, किसके लिए क्या लीगल रेमेडीज हैं, क्या कुछ पता होगा फार्मर्स को। तो इसीलिए फार्मर्स को वीकर सेक्शन माना जाता है कि अगर कुछ होगा तो कहीं ना कहीं फार्मर के फेवर में ही बात सुनाई जाएगी। तीसरा पॉइंट बोलोगे अदर देन कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग इट कवर ऑल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्री प्रोड्यूस प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। इसमें बोलोगे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही इसमें कवर नहीं किया गया, इसके अलावा अगर आप अपनी फसल को उगाने से पहले अगर रेट डिसाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और फसल जब हो जाए तो कटाई के टाइम भी अपना रेट डिसाइड कर सकते हो। फार्मर के पास ऑप्शन है कि वो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी कंपनी के साथ बिफोर क्रॉपिंग और आफ्टर क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद भी, ठीक है, दोनों ऑप्शन उसके पास है। चौथा है कॉन्ट्रैक्टेड प्रोड्यूस कवर्ड अंडर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। अच्छा, जो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट देती थी, जो अंकल चिप्स वाली कंपनी होगी, लेज वाली कंपनी होगी, ये फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी और साथ में इंश्योरेंस भी रखती थी, कल को अगर फार्मर को कोई नुकसान होगा तो उसको इंश्योरेंस कंपनी वाले बेयर करेंगे, और उनके लाइव स्टॉक का भी इंश्योरेंस कराया जाता था, यानी जो उनके गाय भैंस बकरी जो भी है लाइव स्टॉक उनका भी इंश्योरेंस होता था। नो परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी डेवलप ऑन फार्मर लैंड और प्रीमाइसेस। अब एक चीज इसमें थोड़ी सी बात बोली गई कि अब फार्मर्स के लिए कोई परमानेंट सोर्स नहीं है कि उसे अपनी क्रॉप लेकर सिर्फ एक ही जगह जाना है, उसकी जहां मन करेगा जहां उसे सही रेट मिलेगा वो अपनी क्रॉप लेके वहां जा सकता है, कोई परमानेंट सोर्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद है डाइवर्सिफाई कर दिया सोर्स को, कहीं भी आप जा सकते हो। नो राइट टाइटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन लैंड शेल वेस्ट टू स्पॉन्सर्स। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो लेज कंपनी ने एक फार्मर को बोला तुम 100 क्विंटल अनाज पैदा करके हमें दो या आलू पैदा करके दो, तो ऐसे में ये नहीं होगा कि जो कंपनी है उसकी डोमिनेंट पोजीशन आ जाएगी उस लैंड के ऊपर, वो फार्मर को बताएगा कि नहीं तुम्हें काम ऐसे का। हाँ बता सकते हो, फार्मर के ऊपर है, वो उसे माने ना माने, लेकिन आप फार्मर को फोर्सफुली नहीं बोल सकते हो लैंड हमारी है, ये बात याद रखना। लैंड का ओनर कौन रहेगा, फार्मर ही रहेगा रिमेन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नो, अच्छा ये नो राइट वाला हो गया, नो टाइटल, ठीक है। इसके बाद है इफ फार्मर ऑथोराइज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैन बी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर। अगर फार्मर चाहती है कॉन्ट्रैक्ट करना तो हाँ वो बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है। आशीर्वाद आटा हो गया, ये क्या करते हैं फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही तो करते हैं कि आप इस प्रोडक्टिविटी का आप हमें वीट देना, जिसको हम क्रैश करके क्या करेंगे आटा बना के बेचेंगे मार्केट में महंगी महंगी रेट पर। द एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बी ब्रॉट बाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स। अब क्या है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फार्मर्स के साथ तो अभी कंपनी की लायबिलिटी बनती है, ये कंपनी उसके लिए लायबल होगी अगर फ्यूचर में फार्मर को वो पेमेंट नहीं करती है तो, यानी कंपनी को अब वो फसल खरीदनी ही पड़ेगी अगर आपने फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। कहीं ना कहीं हमने देखो फार्मर्स के सेफ्टी मार्जिन की बात यहाँ पर की है। RARC रजिस्ट्रिंग एंड एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग कमेटी। अब ये रजिस्ट्रिंग कमेटी क्या है दोस्तों, अब एक बार बताओ किस फार्मर ने कितने एग्रीमेंट किए, किसके साथ कितने प्राइस के एग्रीमेंट किए, हर फार्मर के पास कितनी लैंड है, कितनी वो लैंड एक्यूपाई करता है अपने पास, कितनी नहीं करता, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए हमने एक एजेंसी बना दी जिसमें फार्मर्स के रिलेटेड सारे रिकॉर्ड हैं। और इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैनुअली वहाँ पर जाओ अपने कागज वागज लेकर प्रॉपर्टी के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये सारा काम आपके ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका CHD, एक मिनट रुकना दोस्तों, मुझे लग रहा है फोकस थोड़ा सा, आई होप अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया हो, एक मिनट फोकस, हाँ अब सही है। इसके बाद बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटी ग्रुप। अब ये क्या है, CFFG एक ग्रुप बनाया गया जिसमें जो भी पर्सन फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फार्मर को बकायदा पूरी डिटेल समझाई जाएगी, बताई जाएगी, और फार्मर के क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग फार्मर्स को अवेयर कराया जाएगा, क्योंकि फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है इंडिया का, ठीक है, उतना ज़्यादा। टू सेटल डिस्प्यूट एंड एक्सेसिबल एंड सिंपल मैकेनिज्म टू बी सेटअप लोएस्ट लेवल पॉसिबल। और कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कंपनी और फार्मर के बीच में तो उस डिस्प्यूट का निपटारा, लड़ाई का निपटारा कैसी किया जाएगा, इसके लिए भी एक एजेंसी बनाई गई जिसमें उनके डिस्प्यूट को क्या किया जाएगा, सेटल डाउन किया जाएगा। इसके बाद है इन स्ट्रक्चर द एक्ट टू फैसिलिटेट एंड प्रमोशनल रादर देन बीइंग रेगुलेटरी। अब ये जो एक्ट बनाया गया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, ये जो एक्ट है ये आपके ऊपर रेगुलेटरी का काम नहीं करता, ये प्रमोशंस करने का काम करता है। प्रमोशंस का मतलब है कि आपको इनकरेज करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, ना कि वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह आपको नज़र रखेगा, आप पे निगरानी रखे, ऐसा नहीं है, ये आपको फैसिलिटेट करवाएगा, रेगुलेटर नहीं फैसिलिटेटर बनेगा आपके लिए। आई बात सुनिए, आगे लिखा हुआ द एक्ट इज स्पॉन्सर्ड टू इन्हांस इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टुगेदर विद सिक्योरिंग एंड रेम्यूनरेटिव इनकम बाय द फार्मर। इस एक्ट के थ्रू फार्मर को एक अच्छी इनकम सोर्स होनी शुरू हो गई और फार्मर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बड़े लेवल पे वो एक्सप्लॉयटेशन होना रुक गया।
और लिखा है कि इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मर्स के साथ किए जाते हैं उन पर रोकथाम लगाई है। अभी ये क्या है इसमें नहीं दे रखा, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि कई कई ऐसी कंपनियाँ थी जो फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कुछ होता था, फार्मर को बताया कुछ जाता था। अब ऐसे में फार्मर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ऐसे में फार्मर जब जाता था अपने क्या बोलते यार उसे कोर्ट में जाता था अपने डिसीजन के लिए कि भाई साहब मेरे साथ इंसाफ ना इंसाफी हुई है, इंसाफ दो। अब इंसाफ देने के लिए इस एक्ट में प्रोविजंस बनाए गए कि ऐसे में फार्मर को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो अब बताओ फार्मर को लेकर हमने चीज़ें अच्छी की है ख़राब की? ऑब्वियस बात है सर, हमने फार्मर्स को लेकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की, फार्मर को प्रमोट करने की हमने बहुत सारी कोशिशें की। बोलो क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 को लेकर एग्रीकल्चर में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट क्या पड़ा? अच्छा एक चीज़ बताओ, थोड़ा बुक से हट के बात करते हैं थोड़ा हम। अब एक चीज़ सोच के देखो कि जब हमारे पर कोविड-19 क्राइसिस आया तो लॉकडाउन लगा। यस सर बिल्कुल लगा। तो लॉकडाउन में आपने कार बाइक साइकिल इनकी सेल या इनकी परचेज ज़्यादा की या आपने खाने पीने के सामान की ज़्यादा परचेज की? सर ऑब्वियस बात है, जब घर में बैठे तो खाएंगे और करेंगे क्या, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। तो ऐसे में तो हम ये नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा भैंस खरीद पाएँ कुछ ऐसा। तो ये देखा गया कि जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा कोविड-19 का, अचानक से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी। आपने देखा भी होगा ऐसी कई सारी दुकानें हैं जो पहले दुकानें शोरूम वोरूम खोल रखे थे, उन्होंने भी बाद में बाहर लेकर सब्जियाँ लगाने शुरू कर दी क्योंकि उन्हें पता चल गया था सब्जियों का स्कोप ऑल टाइम है। जब तक कोरोना रहेगा तब तक सब्जी की जो दुकानें हैं वो दबा के चलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर की ओर क्या हुई, शिफ्ट हुई। और देखा गया कि इंसान अपनी लाइवलीहुड को करने के लिए अब नौकरी छोड़ के वो गलियों में रेडी ढो रहा है ताकि एग्रीकल्चर से वो कुछ कमा पाए। यानी एक चीज़ नोटिस की हमने, कहते हैं ना आप शहर में आ जाओ लेकिन गांव में ज़मीन होना आपका बहुत ज़रूरी, क्योंकि गांव की ज़मीन से ये पता चलता है कि कल को अगर आपके साथ बुरे से बुरी सिचुएशन हो जाती है तो ऐसे में आपके सर्वाइवल के लिए खेत आपके पास होने चाहिए, खेत खलिहान का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब मुझे भी समझ आता है कि जब भी शहरों में शादी होती है तो बैकग्राउंड में जब लड़के लड़की वाले आते हैं तो आपस में पूछते हैं कि एक दूसरे के घर में कितना आपकी खेती है कितनी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एटलीस्ट हमारे पास खेती तो होनी चाहिए इनकम सोर्स के लिए कि अपनी लाइवलीहुड को रन कर पाए। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि हमारे पर एग्रीकल्चर जो है वो कितना प्राइम रोल प्ले करता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं, अब देखो मैंने आपका बेस बना दिया। दोस्तों ये बातें करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये रियलिस्टिक बातें होती हैं, इनसे आपका बेस बन जाता है, फिर आप जब बुक से पढ़ते हो तो आपको ज्यादा ईजी लगता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ कोविड-19 में जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए गए तो क्या हुआ। देखो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपने पास एक मेजर रिफॉर्म जिसको नाम दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये आपने मोदी के मुंह से कई बार ऐसा सुना होगा या न्यूज चैनलों में सुना होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या है ये, इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। मतलब ये कि गवर्नमेंट अब इनिशिएट कर रही है कि देखो आप पूरी तरह से गवर्नमेंट पर डिपेंड मत रहो, अगर गवर्नमेंट आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेगी तो आप कभी खुद खड़ा होना नहीं सीखोगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने लिए रोजगार खुद उत्पन्न करो, आप गवर्नमेंट पर डिपेंड मत हो कि वो मनरेगा या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगी, ऐसा मत सोचो, वो चलाएगी अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने लेवल पर भी चीज़ों को सोचो और अपने आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होगे तो खुद मेहनत करनी रोक दो। तो कहा गया कि गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत में कुछ पैकेज लॉन्च किया, कुछ करोड़ रुपए का वो पैकेज था। अब वो पैकेज लॉन्च करके क्या किया गया, जो लोग अपना सेल्फ डिपेंड बनना चाहता है और उनके पास फंड्स की कमी है गवर्नमेंट उनको फंड प्रोवाइड करवाएगा सब्सिडाइज रेट पर या लोअर इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये था आत्मनिर्भर अभियान। अब कोविड-19 में क्या हुआ, जो एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट है उनमें कई सारे चेंजेस किए गए। क्यों चेंजेस किए गए, क्योंकि अचानक से हमने देखा कि जो हमारे एसेंशियल आइटम्स है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, तो अब इनकी वेस्टेज ना हो तो वेस्टेज को रोकने के लिए अब हमें उसके अंदर मेजर चेंजेस करने पड़े। किसमें, एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट के अंदर हमें मेजर चेंजेस करने पड़े। अब वो चेंजेस क्या क्या होंगे, वही होगा कि आप फसलों को सही से उगाओगे, फार्मर्स को उनकी वीट का प्रॉपर प्राइस मिलेगा जिससे फार्मर इंकरेज होंगे नेक्स्ट टाइम फार्मिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें। और कोई भी फार्मर होगा तो वो अपनी प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी मनचाही प्राइस चार्ज कर सकता है, गवर्नमेंट उस पर एक कैप नहीं लगा सकती है, मिनिमम कैप लगा सकती है, लेकिन मैक्सिमम फार्मर जो मन चाहे वो अपने रेट को लगा सकता है अपने अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें उसमें चेंज की गई। दूसरा किया गया बैरियर फ्री ट्रेड। बैरियर फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि जो ट्रेड है वो इंबैलेंस तरीके से हो रहा है तो ऐसे में वो बैरियर लगाने शुरू कर दे। जैसे मैं इंपोर्ट की बात करूं, अब इंडिया क्या चाहती है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें जिससे फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ेगा, इंपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कम होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट को रोकने के लिए दो टाइप के बैरियर से लगाती है, आपको पता ही होगा टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है कि वो आपकी क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इतनी ही क्वांटिटी मंगा सकते हो, और टैरिफ बैरियर के अंदर वो क्या करता है आपकी एक परसेंटेज डिसाइड कर देता है कि इस अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो इतना प्रतिशत आपको
इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, तो दो टाइप की रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। लेकिन वॉट अबाउट फार्मिंग, फार्मिंग में रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है? हाँ दोस्तों, फार्मिंग में भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, लेकिन जब से COVID-19 हुआ तब से इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया, या कह दो लीनियंट कर दिया गया, कि अब कोई भी किसान आसानी से अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए इधर से उधर मूव कर सकता है। जैसे क्या होता था पहले कि कुछ सरकारें ऐसी थी कि जैसे लेट सपोज हरियाणा सरकार ने अपनी फार्मर्स को बोला आप जो भी उगाओगे उसे आपको हरियाणा की सब्जी मंडी में ही बेचना पड़ेगा, फिर आपको कोई भी रेट मिले। तो ऐसे में क्या था, फार्मर का फुली तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अब उसे पता है कि दिल्ली के अंदर फार्मिंग नहीं होती, या होती तो बहुत कम होती है, तो अगर हम दिल्ली में माल ले जाएंगे तो हमें दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में या केशवपुर मंडी में अच्छे खासे रेट मिल जाएंगे। तो अब जब से ये अमेंडमेंट आए हैं तब से फार्मर फ्री तरीके से अपने सामान को एक जगह से दूसरे ले जाके अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बैरियर लगाए गए थे ट्रेड में, एग्रीकल्चर ट्रेड में, उस बैरियर को क्या किया गया, रिमूव किया गया। अब आपकी इंटर स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल बढ़ गई। इंटर स्टेट सेल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर मतलब अपने ही स्टेट के अंदर, ठीक है। और इससे जो आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ना शुरू हुई, सरप्लस का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि जब किसानों को सही रेट मिलेंगे तो वो इनकरेज होंगे और भी ज्यादा फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या है कि फ्रीडम हुआ हमारे बायर्स को। अच्छा, बायर्स को फ्रीडम कैसे हुआ? बायर्स को फ्रीडम ऐसे हुआ कि अब बायर के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे कि वो किस फार्मर से खरीदना चाहते हैं, किस मंडी से खरीदना चाहते हैं। उनके ऊपर की जो रेस्ट्रिक्शन थी, जो कैप था, उसको भी रिमूव कर दिया गया। तो जब बायर और सेलर दोनों को एम्पावर दी गई तो कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चर फार्मिंग हमारी बढ़ी। तो ये था आपका COVID-19 से रिलेटेड जो भी आपका करंट अफेयर था इस टॉपिक के रिलेटेड। तो आज की क्लास में हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हमने अपने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 है उसके अंदर मेजर चेंजेस किए और हमने फार्मिंग को बेहतर बनाया। दोस्तों, मैं क्लासेस को थोड़ा सा धीरे ले रहा हूँ, रीज़न उसके पीछे कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि दिमाग में सेट हो जाए, इस वजह से मैं एक टॉपिक के ऊपर एक ही वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और आप जानते हो हमारी क्लास की प्रथा, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो जो हमने मार्क किया होता है उस पर हम टिक लगा देते हैं कि ये वाले टॉपिक हमारे हो गए। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जैसे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक बेचे जाते हैं वैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके स्टॉक एक्सचेंज का नाम अलग होता है, वो सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसलिए अगली क्लास को देखना बिल्कुल, कोई चीज़ छोड़ना मत, क्योंकि जब मैं पूरी ये रमेश सिंह के 21 के 21 चैप्टर करा रहा हूँ तो प्लीज़ दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा साथ दो। 21 के 21 चैप्टर हम पूरी सीरीज के अंदर करेंगे, खूब सारी वीडियोस बनेंगी 20-20 मिनट की, 30-30 मिनट की, आप उनको देख लोगे तो उसके बाद आपको रमेश सिंह से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटेटिव लेवल का, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, आसानी से उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।